हमने नई वैगन आर को काफ़ी बार अपग्रेड किया, पुरानी वैगन आर के भी हमारे 8 से 10 वीडियोस हैं, बट मेरा आप लोगों से ये दावा है, ये चैलेंज है कि पूरे इंडिया में ऐसी वैगन आर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट इज़ अ 10-year-old कार, 2014 का ये मॉडल है, बट सेनन सर है ओनर ऑफ द कार। हमारे वीडियोस देख के आज से 15 दिन पहले मेरे पास ये वैगन आर छोड़ के गए थे, मेरे को एक ही चीज़ बोली थी कि ये गाड़ी मेरे को सर और 10 साल वापरनी है, 10 साल इसको हो गए हैं, इसको आप बेस्ट बनाइए। हम सर का वेलकम करते हैं एंड उनके परिवार का वेलकम करते हैं जिन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी गाड़ी में काम करने के लिए। आज आए हैं, इन्होंने गाड़ी देखी भी नहीं है, हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, वी प्रेजेंट टू यू द वैगन आर के सीरीज। हाँ उठाइए ना सर, निकालिए। हाँ, जोरदार तालियों से इस वैगन आर को आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके। ये गाड़ी का फुल वीडियो हम देखेंगे यूट्यूब पे। इसका एक्सटीरियर हम देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर में, DRL लाइट्स, प्रोजेक्टर, एलॉय व्हील्स। कैसी लग रही है सर गाड़ी? बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। खाली एक हमने कलर कॉम्बिनेशन जो सिलेक्ट किया था, लुक कैसा आ रहा है? क्लासिक मैडम, कैसी लग रही है? अमेजिंग, आई लव्ड इट। इस गाड़ी का फुल शूट हम लोग देखेंगे। नई वैगन आर को हमने काफ़ी बार अपडेट किया है, पुरानी वैगन आर यानी कि वैगन आर के सीरीज़ के हमारे काफ़ी वीडियोस हैं, बट मेरा आपसे दावा है कि उन सभी वीडियोस में जो बेस्ट अपग्रेडेशन है ये एक मॉडल में हमने की है। आई प्रेजेंट टू यू अ 10-year-old वैगन आर, 10 साल पुरानी वैगन आर है, 2014 की गाड़ी है। ये गाड़ी जब मेरे पास आई थी तो किस तरीके से थी मैंने आप लोगों को बताई है, बट जब मेरे यहाँ से जा रही है, ये नाइट एडिशन में कन्वर्ट होके जा रही है, यू कैन जस्ट सी द लुक ऑफ द कार। एक कंप्लीट वॉक अराउंड देख सकते हैं, इसका बोनेट, इसका बम्पर, इसके ORVM मिरर्स, इसका कलर, इसका जो लुक है हम लोग ने तैयार किया है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करना चाहेंगे जो बहुत हमारे व्यूअर्स को बेसब्री से इंतज़ार था, द न्यू Ertiga, द न्यू Swift, द न्यू डिज़ायर स्टेयरिंग हमने एक 10 साल पुरानी वैगन आर में इंटीग्रेट किया है। ये गाड़ी का आप टॉप मॉडल भी खरीद लीजिए, उसमें भी बटन नहीं आते थे, आज आप मारुति की कोई भी कार लीजिए उसमें ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आता है, चाहे वो बलिनो हो, ब्रिजा हो, फ्रॉन्क्स हो, Ertiga हो, स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, वो स्टेयरिंग हमने ये 10 साल पुरानी वैगन आर में इंटीग्रेट किया है। इसके जो कंट्रोल्स हैं वो तो हमको मिल ही जाते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस, गाना आगे पीछे, म्यूट, फ़ोन आंसर, कॉल रिजेक्ट, प्लस जो ये फ्लैट बॉटम का लुक है, प्लस जो ये एयरबैग राउंड शेप हमको मिलता है, गाड़ी चलाने का मज़ा इस स्टेयरिंग के साथ कुछ डिफरेंट है दोस्तों। कॉफ़ी एंड वनीला कलर में इस स्टेयरिंग को हमने लेदर रैप किया है, क्योंकि जो हमारा पूरा इंटीरियर है, द कम्प्लीट इंटीरियर हैज़ बीन चेंज्ड। एक मर्सिडीज C220 का जो इंटीरियर जैसे आता है, ऑफ वाइट क्रीम कलर में दरवाज़ों को हमने पेंट किया है, कॉफ़ी कलर की दरवाज़ों में क्रॉस स्टिच वर्क के साथ फिटमेंट एंड फिनिशिंग देख सकते हैं। पावर विंडो के बटन्स जो है वो स्टोन इफेक्ट में हाइड्रो डिप्ड है। ये गाड़ी में पीछे पावर विंडो भी नहीं लग के आती थी, द रियर पावर विंडो हैज़ बीन इंटीग्रेटेड। ये LXi मॉडल है जो मारुति की जेन्युइन है, पूरा का पूरा दरवाज़ा यानी कि ये जो प्लास्टिक है
ये हमको बदलना पड़ता है। द कंप्लीट डोर पैनल हमने रिप्लेस करके टॉप मॉडल के डोर पैनल लगाए हैं। उस डोर पैनल में जो स्विच है पावर विंडो का वो लगाया है, मारुति की जेन्युइन पावर विंडो हमने इसके अंदर इंटीग्रेट की है जो VXI मॉडल में आती है। स्टेयरिंग हमने न्यू अर्टिगा का लगाया है कंट्रोल्स के साथ। द कंप्लीट इंटीरियर लुक आप लोग देख सकते हैं राइट फ्रॉम द सीट कवर्स जो हमारे टॉप गियर ब्रांड के आते हैं इन 1, 2, 3, 4 and 5 कुशनिंग जोन्स ऑफ वाइट एंड कॉफ़ी कलर की एक पाइप के साथ। जो आर्मरेस्ट भी ये गाड़ी के अंदर नहीं था तो वुडन आर्मरेस्ट भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। इसके डैशबोर्ड को भी हमने कंप्लीट कॉफ़ी कलर में लेदर रैप किया है। द अपर डैशबोर्ड हैज़ बीन पेंटेड इन द वनीला कलर एंड मेरे एसी के जो कंट्रोल्स हैं उनको स्टोन इफेक्ट में हाइड्रो डिप किया हुआ है। रूफ़ ऑफ द कार हैज़ बीन वेलवेट कोटेड इन द कॉफ़ी कलर। आगे के पिलर, बीच के पिलर, लास्ट के पिलर्स को भी हमने पेंट किया हुआ है। एक लाउंज इंटीरियर का वर्क हमने वैगनआर में किया है। सर ने मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, उन्होंने एक ही चीज़ बोली है, सर मेरी काफ़ी यादें इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, आप इसको बेस्ट बनाइए। और बेस्ट के लिए मैं आपके पास आया हूँ। द टोटल हाइलाइटर ऑफ द कार इज़ द हिडन एम्बियंट लाइट। ये लाइट को फर्स्ट टाइम हम के सीरीज वैगनआर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिन के समय में कितनी एलिगेंट लग रही है लुक देख सकते हैं, रात के समय में इसकी अलग ही बात है। नाइट शूट में इसका लुक देखेंगे किस तरीके से है। टॉप गियर ब्रांड की फ्लोर मैट्स हैं नीचे की जो 7D फॉर्मेट में आती है। एक एक सीट कवर्स की फिटमेंट फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरीके से है। पीछे के रो में ORVM मिरर्स भी गाड़ी में जो लग के आते थे वो हाथ से मुझे एडजस्ट करने पड़ते थे। VXI मॉडल के मिरर लगाए हैं जिसकी कांच हम अंदर से सेट कर सकते हैं। द अप डाउन राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट के साथ आते हैं। 13 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हमने लगाए हैं जो आपके ही टायर पे लगते हैं। यू कैन जस्ट सी द लुक ऑफ दिस अलॉय इन द कार एंड पूरी गाड़ी को डार्क ग्रे जो नई ग्रैंड विटारा का कलर आता है। सर की गाड़ी पहले लाइट ग्रे कलर में थी, उनको ग्रे ही करना था बट एक शेड डार्कर, सो डार्क ग्रे कलर हमने उनको सजेस्ट किया है। फ्रंट ग्रिल को नाइट एडिशन की ग्रिल के साथ जो लुक हमने दिया है विच इज़ इन द पियानो ब्लैक एंड द रेड टच ऊपर एंड नीचे। फोग लैम्प के कवर्स हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक में है। दोनों हेडलाइट्स हमने नवी डाली हैं, इन उसी हेडलाइट में DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट लगी हुई है। ऑजूम ब्रांड का LED प्रोजेक्टर हमने लगाया है जिसकी रोशनी अंधेरा होने के बाद हम लोग देखेंगे। नेटप्ले ब्रांड का टच स्क्रीन है जो 9 इंच की स्क्रीन आती है जिसका मदरबोर्ड मेड इन जापान है। ऑफलाइन मैप्स, YouTube, GPRS हर उस कनेक्टिविटी के साथ ये स्क्रीन आती है, इसका इंटरफेस भी हम लोग देख सकते हैं। मेरा जितना हो सके शुक्रिया है कि आप लोग ने वैगनआर जैसी गाड़ी पे मुझे इतना प्यार दिया है। ऑडिसन के चारों स्पीकर्स हमने लगाए हैं, कंपोनेंट आगे की तरफ, इनको एक्सल पीछे की तरफ। डैम्पिंग का भी वर्क हमने किया है जो चारों दरवाज़ों में होता है जिससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती। फेंडर पे जो रेगुलर इंडिकेटर थे उसको हटा के इल्यूमिनेटेड साइड वेंट्स हमने ये गाड़ी के अंदर इंटीग्रेट किए हैं। इसका भी नाइट लुक में हम लोग इफेक्ट देखेंगे किस तरीके से है। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए एंड इसका नाइट शूट हम लोग देखें। दिन में इस गाड़ी का वीडियो हमने देखा, इसका नाइट व्यू देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स इसके अंदर हमने लगाई हैं ये खाली फॉग लाइट ऑन है। इसके अंदर वाइट लाइट भी है, जब आपकी गाड़ी फॉग में जाएगी येलो मोड भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये फॉग लाइट का थ्रो हम लोग देख सकते हैं। बट जो खास बात है, जो हेडलाइट में प्रोजेक्टर हमने इंटीग्रेट किया है वो ऑजूम ब्रांड का आता है। हेडलाइट की जो रोशनी है आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा लो बीम है, दिस इज़ अ टोटल ऑफ, दिस इज़ माय लो बीम जो मेरी हेडलाइट है, ये मेरा हाई बीम है। इसका फोकस देख सकते हैं किस तरीके से दो लो बीम हाई बीम पे जो मुझे थ्रो ऑफ लाइट मिल रहा है। यू कैन जस्ट सी द इमेंस फोकस ऑफ द लाइट ऑन द रोड। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, ये खाली फॉग लाइट ऑन है, ये हेड लाइट है इन द लो बीम, ये हेड लाइट है इन द हाई बीम। ऑजूम के जो LED प्रोजेक्टर्स आते हैं इनका थ्रो हमने देखा है। प्लस जो गाड़ी का हमारा सिग्नेचर है वो है हिडन एम्बियंट लाइट। नाइट व्यू में इस लाइट का लुक देख सकते हैं कि जो चारों दरवाजे हैं, डैशबोर्ड है,
किस तरीके से जो एक एटमॉस्फियर आ रहा है गाड़ी के अंदर, दोस्तों कौन बोलेगा कि यार 10 साल पुरानी वैगन आर है, आज की ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में भी इतना बढ़िया फील नहीं है। सी द लुक ऑफ दिस एम्बियंट लाइट एंड इसके जो डिफरेंट कलर्स हैं, आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसका वर्किंग ऑपरेशन भी मैं आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगा। ये मैंने रेड दबाया, ये मैंने ग्रीन किया, ये मैंने ब्लू किया। सी द ब्यूटिफुल लुक इन द कार। द के सीरीज मॉडिफिकेशन, अल्टीमेट मॉडिफिकेशन, द बेस्ट इन क्लास हमने किया है। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए। द बेस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ के सीरीज वैगन आर जो हमने देखी है, ये गाड़ी जब मेरे पास आई तो इसका बिफोर शूट मैंने आप लोगों को बताया था, बट जब ये यहाँ से जा रही है तो किस तरीके से जो इसका लुक है, राइट फ्रॉम द कलर टू द इंटीरियर टू द ऑडियो टू द एलॉय व्हील्स, पावर विंडो नहीं थी, मिरर नहीं था, स्टेयरिंग में कंट्रोल नहीं थे, बेसिक मॉडल था। ये कंपनी ने भी वो टाइम पे इमेजिन नहीं किया होगा कि यार ये वैगन आर ऐसी बन सकती है। इसको हमने अपग्रेड किया है एंड ये अपग्रेडेशन में सर का हमारे को पूरा साथ था। जो चीज़ मैंने अगर बोली कि ये चीज़ लगानी है तो सर ने उनको मेरे को एक ही चीज़ बोली कि सर आपकी गाड़ी है, आप गो हेड करिए। हम सर का थैंक यू करते हैं एंड एक बार फिर से उनका वेलकम करते हैं। कैसी गाड़ी सर अपनी बिफोर थी एंड अभी फाइनल एक लुक जो उसका हुआ है, कैसा लग रहा है? तो एंट्री मारते ही जो लुक मिला था, मैंने पहचाना नहीं गाड़ी को, मेरी गाड़ी है। रोहित भाई के वीडियोस देखकर ही मैं आया, किसी के रिकमेंडेशन से या रेफरेंस से नहीं आया था। गाड़ी उनके हाथ में थी, बस यही था कि गाड़ी डेफिनेटली जो बनेगी सही बनेगी। बहुत प्यार से बनी है, मेरा बेटा गाड़ी देखते ही खुश हो गया है। मेरी वाइफ गाड़ी के बारे में इतना नहीं जानती है, बट उन्होंने जो गाड़ी देख कर जो एक्सप्रेशन दिया है, जो मैंने गाड़ी ली थी 10 साल पहले, 10 साल पुरानी गाड़ी है, जो 10 साल पहले जो एक्सप्रेशन नहीं था वो आज मुझे मिला है। थैंक यू रोहित भाई को, जो भी उन्होंने काम किया बहुत बढ़िया काम करा है। थैंक यू सर। मैडम कैसी हो गई गाड़ी, दो लाइन क्या बोलेंगे? इट इज़ रियली अमेजिंग एंड लवली वर्क। आई एम रियली सरप्राइज टू सी सच अ ब्यूटिफुल कार। रियली बिफोर 10 years बिफोर आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, बट टूडे रियली बनाई। Yes, thank you so much. बेटा कैसी होगी गाड़ी? How's the car looking? Wonderful. It's looking nice. Say hello to the viewers. Say hello. It's looking beautiful. देखिए हमारे एक परिवार है, हम सबको शुक्रिया करते हैं, वैगनार हो, अर्टिगा हो, ये क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस जो हैं, आज तो हम सब गाड़ियां करते हैं बट इसकी स्टार्ट मैंने वैगनार से की थी, तो वैगनार हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगी एंड स्पेशल रहेगी। द के सीरीज मॉडिफिकेशन ऑफ वैगनार टू द नाइट एडिशन, इस वीडियो को हमने बनाया है। इसको डेफिनेटली जो देख रहे हैं लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।